करने वाला हूँ। हमारी संस्था है स्काइप मेडियल, जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराती है। ये संस्था पिछले 15 साल से चल रही है कभी नगर दुर्गा वाराणसी में। इसके जो फाउंडर हैं मिस्टर पंकज मौर्य सर हैं, जो कि जौनपुर के रहने वाले हैं। देन बात की जाए हमारे इंस्टीट्यूट में जितनी फैकल्टीज हैं सभी सब ITC प्लस मेडिकोज हैं। 2023 के रिजल्ट की बात की जाए तो जो 2023 का रिजल्ट बना है, नीट में जो बच्चे सिलेक्शन लिए हैं वो 50+ बच्चों का सिलेक्शन रहा है। देन ITs में 48+ बच्चों का रहा है। देन JEE मेंस में हमारे इंस्टीट्यूट से 75% बच्चे क्वालिफाई किए हैं JEE एडवांस के लिए। हमारी संस्था है परख स्कॉलरशिप की बैच चलाती है, जिसमें 50 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारी संस्था एजुकेशन स्लॉटिंग से खरीद देती है। इसके दो राउंड में एग्जाम होते हैं। जो पहला राउंड एग्जाम होगा वो अभी आप लोग के बीच में होगा। जो फर्स्ट राउंड एग्जाम देंगे उसमें बेनिफिशियरी होते हैं छह बच्चों को, जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं उनके मेडल्स और सर्टिफिकेट्स होते हैं। देन हमारी संस्था आपको स्कॉलरशिप देती है, जितना आप लोग नंबर पाया थे उस नंबर के हिसाब से हमारी संस्था आपको स्कॉलरशिप देती है। यानी आपको 45 से लेकर 60% तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। जो सेकेंड राउंड एग्जाम होता है वो हमारी संस्था अपने हेड ऑफिस पर कंडक्ट कराती है। उसमें जो बच्चे टॉप 50 में सेलेक्ट होते हैं उन्हें हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से एजुकेशन स्लॉटिंग और फोलिंग ये सब फैसिलिटी दी जाती है। क्लास 10th वाले के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्लास 10th वाले अगर सिलेक्शन लेते हैं तो उनके लिए 11th क्लास 12th क्लास की बोर्ड क्लासेस और देन उनके फाउंडेशन क्लासेस ये सब बिल्कुल संस्था की तरफ फ्री कराई जाती है। क्लियर? अगर टॉप 50 में सिलेक्शन होता है तब अभी आप लोग स्कॉलरशिप राउंड 1 का एग्ज़ाम होगा। देन जो एग्ज़ाम होगा कई बच्चे OMR पे देंगे, उसके लिए डॉट पेन यूज़ करना है, ब्लैक या ब्लू पेन यूज़ करना है, अगर कोई पेन यूज़ नहीं करना है। देन लास्टली जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे उसके आंसर की हमारे पास हैं, ठीक है। लास्ट में जाते समय इसको मैं नोटिस बोर्ड पे लगा जाऊँगा, क्लियर? आप लोग इसे मैच कर लीजिएगा इतना, ओके। बाकी जो आप लोग आंसर की मतलब फिलअप करेंगे OMR पे आप लोग क्वेश्चन पेपर ठीक लगा लीजिएगा, ताकि लास्टली आपको मतलब पता चल सके कि हमारा कितना करेक्ट है कितना अनकरेक्ट है। All right, okay?